मतलब वो लोग रखेंगे तभी भारत का नाम भारत रहेगा। पहले से भारत का नाम है भारत, भारत का नाम तो पहले ही से है, इंडिया भी नाम है और भारत भी है, सब लोग कहते हैं। धर्म केवल एक ही होना चाहिए, इंसान धर्म। जो भी धर्म है यहाँ, जो मानव लोग बनाए हैं, भगवान तो बनाए नहीं है, लेकिन सारे धर्म का सम्मान करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ रवि रंजन, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। इस समय बिहार में एक ही सवाल है और जवाब भी लगभग वही है। सभी नेताओं से सवाल यही पूछा जा रहा है कि सनातन धर्म के बारे में आपका क्या कहना है। दूसरा सवाल एक और है कि देश का नाम भारत रहना चाहिए कि इंडिया। यही सवाल राजद के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के वन पर्यावरण मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से पत्रकारों ने पूछा। तेज प्रताप यादव ने कहा कि धर्म, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत का है, तो हर किसी को इंसान बनना चाहिए, इंसानियत धर्म निभाना चाहिए। धर्म जो है ईश्वर ने नहीं बनाया, ये मनुष्य ने बनाया है। ये ज्ञान की बातें जब तेज प्रताप कह रहे थे तो उस समय पत्रकारों ने दूसरा सवाल दाग दिया। पत्रकारों ने कहा कि देश का नाम भारत होना चाहिए या इंडिया होना चाहिए। तेज प्रताप ने कहा कि भारत का नाम पहले भी भारत ही था और इंडिया भी था, तो दोनों नाम से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। तो तेज प्रताप ने जो ज्ञान की बातें कही है उसको सुनकर मीडिया वाले भी अब अगला सवाल करने से बचते दिखे। लेकिन क्या थे सवाल और क्या थे जवाब? सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि तेज प्रताप यादव से जब मीडिया वालों ने पूछा सनातन धर्म के बारे में, भारत और इंडिया के बारे में, तो तेज प्रताप ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हम इसको में नहीं जाते, अपने यहाँ जन्माष्टमी करते हैं ना, अपना मंदिर पे आप लोग आना है वहाँ। भारत के नाम को लेकर एक विवाद है, जिस तरीके से मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने जा रही है, क्या लगता है इंडिया लाइन से डर गई है क्या बीजेपी, मोदी सरकार? अब एक ही को सवाल बार बार करते हैं, तो डर चुकी है पूरे तरीके से, तबे इस तरीके का हड़बंडा कर रही है। ये भारत, भारत नाम बोलने हैं, भारत नाम लोग बोल रहे हैं कि भारत होना चाहिए, इंडिया नहीं बल्कि भारत है, भारत। मतलब वो लोग रखेंगे तभी भारत का नाम भारत रहेगा। पहले से भारत का नाम है भारत, भारत का नाम तो पहले ही से है, इंडिया भी नाम है और भारत भी है, सब लोग कहते हैं। ये सनातन धर्म पे जिस तरह से चर्चा हो रही लगता है कि कहीं से जायज है क्या? सनातन धर्म पे जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, तालीन है, उन्होंने कहा कि सनातन धर्म लगता है इस तरह की बात। देखिए, धर्म केवल एक ही होना चाहिए, इंसान धर्म, इंसानियत होना चाहिए। सारे धर्म का आदर कीजिए, सत्कार कीजिए सारे धर्म का। जो भी धर्म है यहाँ, जो मानव लोग बनाए हैं, भगवान तो बनाए नहीं है, लेकिन सारे धर्म का सम्मान करना चाहिए सारे लोगों को। और हम तो कहेंगे कि इंसानियत बहुत बड़ा धर्म है। भाई, तो चलिए, आप सुन रहे थे बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव आज वन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने भाषण भी दिया। भाषण के दौरान उन्होंने अनेक बातें कही। उन्होंने, तेज प्रताप यादव वन पर्यावरण विभाग के नीला आकाश स्वच्छ वायु जैसे एक कार्यक्रम में शामिल थे, मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पहुँचे थे और वहाँ छोटे छोटे बच्चों को संबोधित कर रहे थे। तेज प्रताप यादव ने इस दौरान ये भी कहा कि तेज बाइक चलाना, गाड़ियों से जो धुआं निकालते हुए लोग सड़क पर चलते हैं, ये सब गलत बात है, इस पर रोक लगनी चाहिए और लोगों को पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग करना चाहिए। तो आज तेजू भाई ने अनेक ज्ञान की बातें कही, उन कुछ बातों में से कुछ चीज़ें हम आपके लिए सुना रहे हैं। बाकी और भी अपडेट्स जैसे जैसे हमको मिलते जाएंगे आप तक हम पहुंचाते जाएंगे। देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं, इसके बारे में भी अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखकर आप हमें जानकारी दीजिए। तो देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।